हेलो ऑफिसर्स, कैसे हो आप सब लोग। आज के वीडियो का टॉपिक है सेल, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन और आउट। सेल में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, अंदर से बाहर चीज़ें कैसे जाती हैं, और इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा आप कभी ज़िंदगी में इन चीज़ों को नहीं भूलेंगे। और पढ़ेंगे एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं सेल मेम्ब्रेन से। देखिए सेल मेम्ब्रेन क्या है, एक बैरियर है। अगर आपको उदाहरण दूं कि आपको अपने घर में अंदर जाना है तो आपको एक दरवाजे के माध्यम से जाना पड़ेगा अपने घर में। उसी तरह से सेल के अंदर अगर किसी चीज को भेजना है या सेल को किसी चीज को बाहर निकालना है, उसके लिए जरूरत पड़ेगी एक दरवाजे की, डोर की, जो दरवाजा मौजूद रहेगा सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड कराती हैं ऐसे चैनल, उन दरवाजों को कहा जाता है ट्रांसपोर्ट चैनल्स, जो प्रोटीन के मिलकर बने होते हैं, जिनके द्वारा कोई भी कंपोनेंट, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ सेल के अंदर या बाहर आ जा सकता है। सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेमी परमिएबल या फिर सिलेक्टिवली परमिएबल, या फिर हम कह सकते हैं इनको बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन हो सकती हैं। इनका मतलब क्या है, देखिए अगर आपके घर में कोई अननोन पर्सन एंट्री करने लग जाए आपकी बिना परमिशन के, तो आप उसको बाहर निकाल देंगे। इसका यही मतलब है, सेल को जिन चीज़ों की ज़रूरत है सिर्फ वही चीज़ें अंदर जा सकती हैं सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। बाहर की चीज़ों को जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको बाहर ही रोक दिया जाता है। ऐसी मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन या फिर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जो सिलेक्ट करके भेजती है। चलिए इतना कंसेप्ट हो गया, अब बात करते हैं डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन क्या है, देखिए किसी भी तरह के मॉलिक्यूल हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ गैस के मॉलिक्यूल, अगर उनका कंसंट्रेशन एक जगह ज़्यादा है तो वो दूसरी जगह जहाँ कंसंट्रेशन कम है वहाँ की तरफ मूव करेंगे, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूजन। ज़रूरी नहीं है डिफ्यूजन में किसी मेम्ब्रेन की ज़रूरत हो, डिफ्यूजन बिना किसी सेल मेम्ब्रेन के भी या किसी मेम्ब्रेन के बिना भी हो सकता है। एग्जांपल उदाहरण देखिए, आप कमरे में खड़े हैं परफ्यूम लगाने के लिए, आपने परफ्यूम की बोतल खोली, एक कोने से दूसरे कोने तक खुशबू पहुंच गई, क्या यहां कोई मेम्ब्रेन थी? नहीं, लेकिन यह भी एक तरह का डिफ्यूजन है। लेकिन अगर डिफ्यूजन में कहीं मेम्ब्रेन आ जाए तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम ऑस्मोसिस। यानी ऑस्मोसिस एक इस तरह का डिफ्यूजन है जिसमें एक मेम्ब्रेन की जरूरत होती है। मेम्ब्रेन के द्वारा अगर कोई ट्रांसपोर्ट किसी पदार्थ का, किसी मॉलिक्यूल का अगर हो रहा है तो उसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। इतनी चीज हो गई। चलिए ऑस्मोसिस में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे जैसे कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें मैं आपको एक ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा, आपको कितने ही भी कन्फ्यूजन रहे होंगे आप उन सभी कन्फ्यूजन्स को, आपके सभी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे और आप इस कंसेप्ट को हमेशा याद रखने वाले हैं। ज़रूरत इतनी है कि आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और थोड़ा गौर से देखना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं ऑस्मोसिस से। ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का उदाहरण हमने यहाँ पर लिया है पानी, यानी पानी का मूवमेंट एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। और ये मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, जहाँ सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, यानी जहाँ पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ से कम कंसंट्रेशन वाले रीजन की तरफ यह मूवमेंट होगा। और अगर हम उस प्रोसेस को उल्टा कर दें किसी एनर्जी की मदद से, चाहे वो लाइट एनर्जी हो, केमिकल एनर्जी हो, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस, जो घर में पानी फिल्टर होता है। अब बात आती है बेसिक कंसेप्ट, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या हैं। आपने अगर बहुत सारे वीडियो देख चुके होंगे, अगर उन सब में कन्फ्यूजन आपको मिला है तो सारे कन्फ्यूजन यहाँ से दूर कर दूंगा। चलिए अब इसको एक तरफ रखते हैं, बात करते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन क्या है। देखिए अब आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। सॉल्यूशन मिलकर बना होता है दो चीज़ों से। सबसे पहली चीज़ सॉल्यूशन को मिश्रण है, घोल है, इसमें पहली चीज़ है सॉल्यूट और दूसरी चीज़ है इसमें सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो है वो सॉलिड है, सॉलिड है, मतलब कैसा है, ये सॉलिड है, हार्ड है, टफ है, इसको सॉलिड। मैं इसका उदाहरण ले लेता हूं यहां पर नमक या फिर NaCl, ठीक है। सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है, मैं इसका उदाहरण यहां पर ले लेता हूं क्या, पानी
H2O वाटर। अब बात करते हैं अपने कंसेप्ट की। देखिए तीन कंडीशन हो सकती है, इन तीन कंडीशन से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। पहला कंडीशन तो ये है कि किसी सॉल्यूशन की, जो ये सॉल्यूशन है, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो कम होगी। और तीसरी इसकी कंडीशन ये हो सकती है कि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कैसी होगी, ना कम होगी ना ज़्यादा होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम स्टेट में होगी। तो यहाँ पर कंसेप्ट पहला ये है कि अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा कम है तो उसमें क्या फ़र्क, क्या चीज़ें ज़्यादा है क्या चीज़ें कम है, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कंडीशन। यहाँ से देखो बहुत ध्यान देने की जरूरत है आपको। अगर यहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है, इससे यह मतलब है कि कंसंट्रेशन, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए किसके ऊपर डिपेंड करती है, सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है। सॉल्यूट ज्यादा है तो कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्यूट कम है तो कंसंट्रेशन कम है। तो अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो यहां पर क्या ज्यादा होगा, सॉल्यूट ज़्यादा होगा, और क्या कम होगा, पानी, जो ये हमने उदाहरण लिया था पानी H2O, ये कम होगा। अगर कंसंट्रेशन कम है तो सॉल्यूट भी क्या होगा, कम होगा, इसी की वजह से तो सारी कंसंट्रेशन है, और पानी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका उल्टा, कंसंट्रेशन कम सॉल्यूट कम, जब ये वाली चीज़ कम है तो ये तो अपने आप ज़्यादा हो जाएगी, तो पानी ज़्यादा हो जाएगा, और इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों के दोनों बराबर बराबर होंगे, आइसोटोनिक कंसंट्रेशन। अब बात आती है मेन कंसेप्ट की। जब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस में हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक यानी कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की, तो वहां पर आपको याद क्या रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हम इन तीनों की बात करते हैं तो मूवमेंट किसका हो रहा है, जब यहां पर हम बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि जब भी मूवमेंट होगा वो हमेशा किसका होगा, सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा, सॉल्यूट कभी मूव नहीं करेगा। दूसरा कंसेप्ट जो था आपका, दूसरा क्लियर हो गया, दूसरा कंफ्यूजन खत्म हो गया, किसका मूवमेंट होगा, सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा, चाहे वो सेल से अंदर हो चाहे वो सेल से बाहर हो, हमेशा कौन मूव करेगा, पानी मूव करेगा, ये कभी मूव नहीं करेगा। दूसरा कंफ्यूजन क्लियर। अब बात आती है हमारे हाइपरटोनिक को कैसे याद रखेंगे, हाइपोटोनिक को कैसे याद रखेंगे, आइसोटोनिक को कैसे याद रखेंगे। देखिए मैं ये सब चीजें मिटा लेता हूं, दोबारा से बताऊंगा, चलिए नहीं भी मिट रही है, थोड़ी सी मैसअप हो जाती है चीज़ें। चलिए हाइपरटोनिक, हाइपर हाइपर, मैं कहता हूँ कि मुझे गुस्सा आ गया, मैं जल्दी हाइपर हो जाता हूँ, ज़्यादा हाइपर हो जाता हूँ। हाइपर का मतलब है ज़्यादा, मैं इसको लिख देता हूँ ज़्यादा। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। देखिए अब कंडीशन लगाइए अपनी जो मैंने लिखी थी, यहाँ पर अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो क्या ज़्यादा होगा, सॉल्यूट ज़्यादा होगा, और क्या कम होगा, पानी कम होगा। और हमें ये पता होना चाहिए पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा, जहाँ पानी ज़्यादा होगा वहाँ से मूव करेगा उस तरफ जहाँ पानी कम होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन करने के लिए। इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इसमें पानी कम है, और जब हमने इसमें एक रेड ब्लड सेल को डाला, जब हमने इसमें एक रेड ब्लड सेल को डाला तो बाहर तो पानी कम है लेकिन सेल के अंदर पानी ज़्यादा है, तो जो पानी सेल के अंदर है वो बाहर निकलना शुरू कर देगा, इस सेल से बाहर आ जाएगा पानी, क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब है पानी कम है। तो इस कंडीशन में जब पानी बाहर आएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन करने के लिए, तो अंदर के पानी निकलने की वजह से ये सेल क्या होगी, सिकुड़ जाएगी, इसको बोलते हैं फ्लैसिड, फ्लैसिड, स्पेलिंग गलत हो सकती है देख लेना, फ्लैसिड, या फिर इसको बोलते हैं श्रिंक, सिकुड़ना, इस कंडीशन में। तो समझ में आ गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम एक रेड ब्लड सेल या एनिमल सेल को रख दें तो वो सिकुड़ जाएगी। सिकुड़ क्यों जाएगी, क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब है पानी कम है, अंदर पानी ज़्यादा था सेल के वो बाहर आ गया, सिकुड़ गई, एक एक कन्फ्यूजन खत्म। दूसरा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपो का मतलब कम, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन कम है, कंसंट्रेशन कम होगा तो सॉल्यूट भी कम होंगे, और क्या चीज़ ज़्यादा होगी, पानी ज़्यादा होगी, यानी कि इस सॉल्यूशन में जो है पानी ज़्यादा है। अब जब इस कंडीशन में हमने एक रेड ब्लड सेल रखा जिस कंडीशन में पानी बाहर ज़्यादा है और कंसंट्रेशन कम है, कंसंट्रेशन कम होगी तभी तो पानी ज़्यादा होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो बाहर का पानी है जो ज़्यादा मात्रा में है वो अंदर चला जाएगा सेल के,
जैसे ही सेल के अंदर जाएगा तो सेल के अंदर पानी भरने की वजह से वो सेल फूल जाएगी, इसको बोलते हैं स्वेलिंग, या फिर इसको स्वेल हो जाएगी सेल और बर्स्ट होने के चांसेस भी होते हैं। दूसरा कंसेप्ट आपका बिल्कुल एकदम क्लियर। अब थर्ड आता है आपका फेवरेट और सब लोगों का फेवरेट, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आप इससे क्या समझते हैं कमेंट करके बताइए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और कमेंट करिए आइसोटोनिक से आप क्यों क्या समझते हैं, क्योंकि मैं बताऊँगा तो ऐसी चीज़ बताऊँगा जो आपको शायद ही कहीं पता चली हो। चलिए अगर आप कमेंट कर चुके हैं तो देखते हैं अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन मैंने बताया, कंसंट्रेशन ना ही तो सोल्यूट ज़्यादा है उसमें, ना ही उसमें सोल्यूवेंट ज़्यादा है, दोनों का अमाउंट बराबर बराबर सा है, और जो है चाहे इसमें हम कोई भी सेल रख दें उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसी वो यहाँ थी वैसी ही वो यहाँ रहेगी। ठीक, ये हो गया आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन आपसे ये है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आपके पास में एक सॉल्यूशन मैंने आपको दिया जिसमें 5% डेक्सट्रोज शुगर है पानी में, शुगर इन वाटर, इसमें हमने एक क्या किया रेड ब्लड सेल को रख दिया, तो इस रेड ब्लड सेल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ये सिकुड़ेगा या स्वेल होगा, क्या होगा, आंसर बताइए कमेंट करके। अगर नहीं आता है तो चलिए मैं बता देता हूं, ये एक एग्जाम्पल है 5% डेक्सट्रोज शुगर जो है एग्जाम्पल है किसका, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए मैंने कहा था ना कि आप जो है सोच रहे होंगे कि आइसोटोनिक के ऊपर क्या इंपॉर्टेंट बात आएगी, इसको हल्के में ले जाते हैं लोग और इस तरह की क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो 5% डेक्सट्रोज शुगर एग्जाम्पल है किसका, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का। इसका और एग्जाम्पल मैं आपको दूसरा बताऊं, रिंगर्स सॉल्यूशन या फिर 0.9% NaCl सॉल्यूशन भी किसका एग्जांपल है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का। तो आई होप आपके ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, अगर ये एक मेम्ब्रेन है हमारी, सेल की मेम्ब्रेन है, एक मॉलिक्यूल को इसके पार जाना है, इधर जाना है, सेल के अंदर जाना है, और अगर इसमें एटीपी खर्च हो रहा है यानी एडिनोजीन ट्राइफोस्फेट मतलब एनर्जी खर्च हो रही है तो इसे कहेंगे क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और अगर गर्मी बहुत हो रही है मुझे पसीने आ रहे हैं, और अगर यहाँ पर कोई यहाँ पर एनर्जी खर्च नहीं हो रही है तो उसे कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट, जहाँ एनर्जी खत्म होगी वो एक्टिव, ए फॉर एक्टिव, ए फॉर एटीपी यानी एनर्जी। अब बात आती है एंडोर एक्सोसाइटोसिस। देखिए यहाँ पर जो हमने ये सेल लिया था इसमें पानी बाहर निकला था, सेल के बाहर कोई चीज़ गई थी, उस प्रोसेस को बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस, ई फॉर एक्सो और ई फॉर एग्जिट, एक्सोसाइटोसिस। जिस कंडीशन में सेल के अंदर कोई चीज़ गई, सेल के अंदर, उस प्रोसेस उस कंडीशन को बोलेंगे एंडोसाइटोसिस यानी सेल के अंदर, एंडो सेल के अंदर एंडोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये छोटा सा मॉलिक्यूल था और यहाँ पर एक सेल था, ये है हमारे पास अमीबा, ये इस मॉलिक्यूल को बाहर से अगर खा जाए, इसको अपने अंदर संभाले कुछ किसी भी तरह करके, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे फैगोसाइटोसिस मतलब एनगुल्फिंग, खाना, इसके मुंह तो है नहीं, ये क्या करेगा अपना छोटा सा इस तरह से जैसे स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है ऐसा बनाएगा, इस मॉलिक्यूल को अपने यहाँ लेगा और धीरे धीरे अपनी पूरी लेयर मिला देगा और कंपोनेंट को इस मॉलिक्यूल को अंदर ले लेगा, ये हो गया फैगोसाइटोसिस। अगर यही चीज़ लिक्विड के साथ कर रहा है कोई सेल, कोई कोशिका लिक्विड के साथ, तरल पदार्थ के साथ ये चीज़ कर रहा है मतलब उसको खा रहा है, तो उसको बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। तो आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा और उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। कभी नहीं भूलेंगे भाई, वीडियो पसंद आया हो ना गुरु दक्षिणा के तौर पर लाइक ज़रूर कर देना। इस वीडियो पर लाइक का टारगेट मैंने रखा है सिर्फ 5,000। हंसने कूदने मजाक वाली वीडियो पर तो मिलियन मिलियन लाइक्स आ जाते हैं यार, हमको 5,000 लाइक्स चाहिए इस वीडियो पर, टारगेट है, देखें कब तक कंप्लीट होता है। और पसंद आ गया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जनरल बायोलॉजी के पूरे नोट्स भी अवेलेबल हैं अगर आप खरीदना चाहते हैं, मात्र 300 रुपये के हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।